एक आदमी भी कम हो गया तो हाँ, फिर हरा भरा, फिर हरा भरा हो जाता है मतलब। तो हम आ चुके हैं दोस्तों अब सौराठ। कुछ है दोस्तों सौराठ में, चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। तो दोस्तों आ चुके हैं फिर से आपके साथ नए वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त विदुर बिहारी दोस्तों, और स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ग्लोबल टूरिस्ट एक्सप्लोर। भाई आ चुका है दोस्तों सौराठ। इसका दोस्तों आपने बहुत नाम सुना होगा दोस्तों, ये वही जगह है दोस्तों जहां पे लड़का और लड़की सामने देख के एक दूसरे को देख के और यहां पे शादी दोस्तों तय होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं इनके बारे में। तो चलते हैं दोस्त, जानते हैं घूमते घूमते यहां के बारे में दोस्तों। कर्नाट वंश के राजा हरि सहदेव ने लगभग 700 साल पहले 1310 ईस्वी में सौराठ सभा की प्रथा शुरू की थी दोस्तों। विवाह योग्य बच्चे के माता पिता को परेशानी से बचने के लिए इसका आयोजन करने की योजना बनी थी। इससे पहले इस मेले का आयोजन सौराठ के साथ सीतामढ़ी, रक्सौल, झंझारपुर, प्रतापपुर, दरभंगा, जजुआर, सहरसा के महर्षि और पूर्णिया के सिंहासन सहित अन्य स्थानों पर भी किया जाता था। और सामने देख सकते हैं दोस्तों सौराठ मंदिर भी है दोस्तों। यहाँ पे भगवान शिव, कहा जाता है यहाँ के जो भगवान शिव हैं इनको गुजरात के सोमनाथ से दोस्तों लाया गया था दोस्तों। तो चलते हैं फिर दोस्त अंदर, जिसका मुख्यालय दोस्तों सौराठ हुआ करता था, पर अब इस ऐतिहासिक मेले का आयोजन मात्र सौराठ में ही होता है दोस्तों। अब हर जगह दोस्तों ये प्रथा बंद हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ दोस्त ये सौराठ में ही होता है। दोस्तों हालांकि आजकल इस मेले में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों की तादाद काफ़ी कम हो गई, लोग शायद इसे पुराने समझने लगे हैं, लेकिन इस प्राचीन परंपरा होने के बावजूद ये काफ़ी आधुनिक और वैज्ञानिकता से बनाई गई व्यवस्था थी दोस्तों। मॉडर्न हो चुका है दोस्तों, बहुत कुछ बदल चुका है, इसलिए लोग दोस्तों इस परम्परा को दोस्तों पुरानी परम्परा समझते हैं। इस मेले में वर वधु के बीच संबंध जोड़ने से पहले देखा जाता था कि इनके बीच कोई ब्लड रिलेशन ना हो, इसके इनके लिए हिंदू विवाह में मानी जाने वाली गोत्र व्यवस्था का आधार लिया जाता था, यानी ध्यान रखा जाता था कि वर वधु समगोत्र के ना हो और इसके बीच 7 पीढ़ियां तक कोई रक्त संबंध ना हो। इसके लिए विवाह की अनुमति सभी को पंजीकार से लेना पड़ती थी, और ये व्यवस्था आज भी दोस्तों बरकरार है। बहुत खूब दोस्तों, जितना हम और आप नहीं सोचते उससे पहले दोस्तों यहाँ पे उतना व्यवस्था किया गया था पहले से ही दोस्तों। तो चलते हैं फिर, स्थानीय लोग इसे मेला नहीं दोस्तों सौराठ सभा के नाम से पहचानते हैं। ये सभा बरगद के पेड़ के नीचे 22 बीघा जमीन पर होता है दोस्तों। सभा में स्थानीय लोग बर अपने पिता और अन्य परिजनों के साथ आते हैं और चादर बिछाकर दोस्त बैठ जाते हैं। कन्या पक्ष की ओर से आए हुए संभावित लोग, और सामने देख सकते हैं दोस्त भगवान शिव वरों का बाकायदा इंटरव्यू करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। इसके बाद पंजीकार इन संबंधियों को जांच कर उनकी अनुमति देते हैं। जांच की पूरी रिपोर्ट एक कागज पर हस्ताक्षर सहित दोनों पक्षों को दी जाती है। पहले ये रिपोर्ट भोज पत्र और ताम पत्र पर लिखी जाती थी दोस्तों, अब इसे कागज पर दर्ज किया जाता है दोस्तों। देख सकते हैं भगवान शिव दोस्तों, ये जो भगवान शिव है सोमनाथ गुजरात से दोस्तों लाए गए थे दोस्तों। 450 साल ये मंदिर पुराना है। कैसे कैसे यहाँ पे विधि विधान सब चालू हुआ? यहाँ पे शादी भी होता है, सभा लगता है। सवा लाख ब्राह्मण कोता था ना पहले, सवा लाख तो एक पेड़ था पाखर का। अच्छा, मुझा जाता था उसमें। अच्छा, 125,000 ब्राह्मण जब आते थे यहाँ पे, तो वो जो पेड़ ना मुझा जाता था, एक भी आदमी कम हो गया फिर हरा भरा। अच्छा, मतलब 125,000 से एक आदमी भी कम रहता था तो पेड़ मुरझा जाता था।
सवा लाख पूरा होता था तब तब एक आदमी भी कम हो गया फिर हरा भरा हो जाता, मतलब चमत्कार है ये। बहुत जब से वो केस रुक गया जब सभा लगना खत्म हो गया। आदमी सब बोलता है मेला मेला नहीं सभा सभा, जैसे राजा महाराजा का सभा लगता है। जी जी, मेला नहीं ना कहीं। नहीं नहीं नहीं, मेला नहीं, मेला तो छोटा मोटा होता है। अब 1.5 लाख जहाँ पे ब्राह्मण आया तो सभा हो गया। यहाँ पे आदमी सब आता है तो मिट्टी चंदन लगाता है। जी जी जी, ये भी 450 साल पुराना। चलिए, बहुत अच्छा बताने के लिए धन्यवाद।